हेलो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं सुधाकर एक बार फिर से मैं अपना एक नया ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। तो अभी फिलहाल मैं हूँ अपने, अरे भाई हमारे साथ, ये तो शौक हो गया। अभी तो ब्लॉग स्टार्ट ही किया था तो अचानक से हमारे कार्तिक भाई मिल चुके हैं, रुद्र भाई हैं ये। और अभी बढ़िया है। अरे हाँ, तो भाई यार ब्लॉग स्टार्ट ही किया था तो एक तरह से शौक मिल गया मुझे, और हमारे रुद्र भाई मिल चुके हैं। तो अभी मैं हूँ आनंद नगर में, तो सुबह खा पी के नहा के फ्रेश होके आ चुका हूँ। तो अभी हमारे जयपुरिया इंटर कॉलेज में योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, तो उससे पहले हमारे रुद्र भाई मिल चुके हैं। तो चलो फिलहाल ठीक है भाई, तो फिलहाल अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं जयपुरिया इंटर कॉलेज में आनंद नगर। तो फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ कुछ ही पल में आने वाले हैं, तो चलिए मैं सीधा आपको वहीं से दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। फिलहाल मुझे भी नहीं पता, तभी मैं देखता हूँ क्या होता है। तो चलो फिलहाल ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, आपको फिर ब्लॉग दिखाएंगे। सो हे गाइस, तो फिलहाल भारत माता की जयकारे के साथ हम अपने इस फ्रंट गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पे देखिए भाई जन सैलाब है, बहुत ज़्यादा आदमी हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत से लोग आए हुए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं बेचारे। इतनी तेज धूप है, धूप में भी, कड़ी धूप में भी सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और योगी जी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उमड़ गई है भीड़ यहाँ पे। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ उसी विद्यालय में ये आयोजन किया गया है, तो मैं भी इसी विद्यालय से ही हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बना रहना, हम फुल ब्लॉग आपको दिखाएंगे। सुनिए गाइस, तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर भी आए हुए हैं अपने 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 चैनल के, जो जो भी चैनल होते हैं न्यूज वाले भाई सब लोग, तो वो लोग भी आए हुए हैं, न्यूज अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है ये सब देखने में हमको भी। तो गाइस, तो फिलहाल अभी हमारे बीच में योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है यहाँ पे, और हम भी लाइव आ चुके हैं। अभी तो फिलहाल मुझे हेलीकॉप्टर दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ हेलीकॉप्टर आ चुका है हमारे, हम सभी लोग ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जयपुरिया के विशाल बांगर में पहुँचने वाले हैं। क्या घोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर बसते केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र संसदीय सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, माननीय विधायक कर्ण श्री रामेंद्र सिंह जी, जय मनोहर कनौजिया जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया, और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे, इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो,
चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो। सच्चाई तो ये है कि बहन और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक बातें उसमें रखी हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनोज से भी कहूंगा, प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के जाएं। अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना, लगा होगा ना अच्छा। आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो ये मंदिर बना है, अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? बहन और भाइयों, ये सबकी ताकत बनती है। और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे करके अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल देते हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है। एक आईटी बन रहा है, कहीं आईएम बन रहा है, कहीं ट्रिपल आईटी, कहां पे कहीं पे एनआईटी। अभी योगी बाबा का जो है, योगी आदित्यनाथ जी का भाषण वगैरह खत्म हो चुका और उनकी हेलीकॉप्टर भी बनने के लिए तैयार है। योगी जी का वेट कर रहा सब, बस उसी पल में आने वाले हैं योगी बाबा और उसके बाद बैठेंगे और एक स्टेज चलने वाला है। चलिए, अबे दीवार टूटेगी किसी ना किसी का, उतना मजबूत थोड़ी ना बनता। मनोकामना पूर्ति हो खेत अरे यार, तो कहा भाग के जाए बताओ, सब तो मोबाइल ले लिया है, कहा उड़ के
तो इतना ज़्यादा भीड़ था और सब लोग धीरे धीरे बारी बारी से सब लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। और ये देख सकते हैं यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अरे भैया योगी जी के जाने के बाद मैं भी निकल रहा हूँ अब घर के लिए, तो सभी लोग निकल ही रहे हैं घर के लिए। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ था ना, ये सब पूरे आदमी आदमी बैठे हुए थे इसमें, इतना ज़्यादा भीड़ भाई। फर्स्ट टाइम मैं हेलीकॉप्टर को काफ़ी करीब से देखा हूँ ना। अरे ठीक है भैया जी। भारत माता की जय। और जय जय श्री राम के नारों के बीच योगी जी की जनसभा का समापन हो गया है। योगी जी की जनसभा के बाद भी आम पब्लिक अभी धीरे धीरे जा रही है और इस आम पब्लिक को देख करके आपको यह भीड़ देख करके अंदाजा हो गया होगा कितनी बड़ी जनसभा थी और इस जनसभा का महाराजगंज की लोकसभा पर क्या असर होगा। किशन गुप्ता के साथ यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी, परिंदा, महाराजगंज। योगी आदित्यनाथ जी का भाषण वगैरह सब खत्म हो गया है और अभी आपने देखा कि उनका हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर चुका और वो चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनता थी वो सब बारी बारी से अपने घर जा रहे हैं और देख सकते हैं आप इतना ज़्यादा भीड़ था। और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं निकलता हूँ घर के लिए, तो फिलहाल बस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।